हाँ गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो जो होने वाली है वो पार्टीशन के ऊपर होने वाली है, तो आज की वीडियो में हम पार्टीशन के डिज़ाइन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक प्रो की तरह अपने घर के अंदर पार्टीशन का डिज़ाइन कैसे चूज़ कर सकते हो, ये जानते हुए कि कहाँ पर उसे लगाना है, लोकेशन क्या होगी। दूसरा कि आपका पैसा उस पार्टीशन को लगवाने में कितना आएगा। तीसरा कि किस मटेरियल में पार्टीशन हमें बनवाना चाहिए। और चौथा जो कि मेरी फेवरेट और बेस्ट ट्रिक होती है कि वो कौन सा पार्टीशन का डिज़ाइन है जो सबसे कम पैसों में बनेगा और जो सबसे सुंदर दिखेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग वीडियो पुराने देखते हैं, इसलिए वो पॉइंट आखिरी में बताऊंगा, बीच में कहीं भी। तो अब आप देखो कि वीडियो में वो कहाँ पे दिया होगा मैंने। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेकोच पे। मैं हूँ आपका टेकोच एंड इंडिया बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहाँ होगा बजट आपका, डिज़ाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका और इंजीनियर हमारा। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम पार्टीशन या घर का डिज़ाइन चूज़ करते हैं ना, तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आके एज आर्किटेक्ट या मैं एज अ पर्सनली अगर मैं पार्टीशन चूज़ करता हूँ, तो तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखता हूँ। उसमें से पहला जो रीज़न है कि आप जो पार्टीशन अपने घर के अंदर करा रहे हो वो हो रहा है प्राइवेसी के लिए। मतलब कि आप नहीं चाहते यार कोई गेस्ट घर में आए तो आपके बेडरूम तक उसकी नज़र जाए या वो देख पाए। या दूसरा कि आपके घर में अगर कोई अमेजन वाला बंदा आया है या कोई डिलीवरी बॉय आया है तो उसकी नज़र अंदर तक ना पहुंचे और वो वहीं की वहीं दरवाजे के एंट्रेंस के पास ही खत्म हो जाए और वो देख ना पाए कि अंदर क्या हो रहा है। सेकेंड जो रीज़न होता है पार्टीशन डालने का, वो ये होता है कि हम किसी चीज़ को अलग अलग दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, और डाइनिंग ड्राइंग के बीच में हमने एक सेपरेटर डाल दिया, मतलब कि पार्टीशन डाल दिया, जिससे कि हमारा जो एरिया है वो अलग अलग दिखाई दे। और तीसरा जो होता है रीज़न, जो कि होता है सबका फेवरेट, कि भैया पार्टीशन चाहिए यार, डिज़ाइनर सुंदर लगता है, हमें अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं डाल दो, बस डाल दो। तो सबसे पहले प्राइवेसी की अगर बात करें, अब इसमें मैं आपको फोटोज़ के थ्रू यह एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम वो पार्टीशन को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिज़ाइन भी बताऊंगा और लोकेशन भी बताऊंगा। तो जनरली दो लोकेशन होती है हमारी प्राइवेसी के लिए जो हम मेंटेन करते हैं, वो होता है कि ड्राइंग से लेके बेडरूम के बीच में जो भी कहीं रास्ता आ रहा है वहाँ पर हम एक पार्टीशन डाल सके, और दूसरा अगर डिलीवरी बॉय आया हुआ तो जब दरवाज़ा खुले, मेन डोर जो आपका खुले, उस डोर के बाद एक पार्टीशन हो जो कि हमें अंदर तक दिखने के लिए एक ब्लॉक मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी के लिए कि अगर घर के अंदर कोई गेस्ट आया है तो। अब इसमें आपको क्या, अब देखो आप ये फोटो देख पा रहे हो, अब इस फोटो के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, कई लोग क्या करते हैं कि जो पार्टीशन लगवाते हैं तो पार्टीशन के अंदर वो सीएनसी जाली वाला डिज़ाइन लगा लेते हैं। वो आपको नहीं करना है, उससे क्या होता है ना, चीज़ें बहुत भरी भरी दिखाई देती हैं और बहुत मैसी हो जाता है। तो आपने ड्राइंग रूम में अगर कोई इंटीरियर का काम किया है, कराया है, उस पर पैसे खर्च किए हैं, तो वो पार्टीशन आपके इंटीरियर को भी ख़राब करेगा और खुद की फील को भी ख़राब कर लेगा। तो कोशिश ये करो कि जो पार्टीशन आप कर रहे हो उसमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप बने, या सीधे सीधे लूअर्स हों, या उसके अंदर शेल्व्स हों, वो जाली वाला डिज़ाइन मत करना। वो जाली वाला भी मैं बताऊंगा कहाँ होता है जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये फोटो देख रहे हो, अभी देख रहे हो इसके उस तरफ लाइट आती हुई दिख रही है हमें, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा कि वहाँ पर एक्चुअल में रखा क्या हुआ है। अनटेनलेस कि आपके घर में कोई ताका जाके आपका कोई पड़ोसी हो, देखने के लिए आया हो कि क्या चल रहा है अंदर। अब ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन भी हो सकता है, चिंता मतलब इसके जो कॉस्टिंग कैसे आती है, अगर ये पर्टिकुलर पार्टीशन है तो इनकी क्या कॉस्टिंग आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, और किस मटेरियल में बनाया वो भी। अब ये देख रहे हो, अब इसमें देखो ये डिज़ाइन देख रहे हो, इस डिज़ाइन के अंदर क्या हुआ, बेसिकली पार्टीशन में रूम का साइज ना हो तो इसमें क्या किया, पार्टीशन तो किया ही किया है, साथ के साथ इसमें क्या लगा दिया, मिरर्स लगा दिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि जो हमारा पार्टीशन का जो डिज़ाइन है वो बड़ा दिखने लगा है, हमारा रूम साइज़ बड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि मिरर से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो रूम स्पेस अगर छोटा है तो वो बड़ा दिखाई देगा। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है कि अगर सपोज़ करो आप ड्राइंग और डाइनिंग के अंदर अगर आप देख रहे हो कि यार ड्राइंग डाइनिंग को सेपरेट करते हैं, आपका ड्राइंग रूम से आपका बेडरूम दिखाई दे रहा है, आप चाहते हो वो चीज़ ना दिखाई दे, तो इसमें तीन तरीके से पार्टीशन हो सकते हैं। एक कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पर पार्टीशन को ऐसे लगाया कि भाई आपका विजन ब्लॉक हो गया। दूसरा ये होता है कि आपको दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है तो दो तरफ पार्टीशन डाल दिया, और नहीं तो फिर सेंटर में पार्टीशन डाल दिया। तो अगर हम सिंगल साइड कहीं पार्टीशन दे रहे हैं तो मेक श्योर कि जो ट्रेवलिंग पैसेज का वॉकिंग डिस्टेंस हो कम से कम 5 फुट वहाँ पे हो, 5 फीट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो पार्टीशन का कोई सेंस नहीं रहेगा और आप पार्टीशन वहाँ ना डालें। दूसरा, अगर आपके पास अच्छा स्पेस है तो आप सेंटर में अगर पार्टीशन डाल रहे हो तो लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ आपके पास कम से कम 3.5 फुट का वॉकिंग पैसेज होना चाहिए, वो भी क्लियर पैसेज, जैसे होता है ना कि ड्राइंग रूम में एंट्री करो, सामने अगर विंडो वगैरह या कुछ भी, तो पैसेज 3.5 फुट का पूरा क्लियर होना चाहिए, रस्ते के अंदर कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो ये तो हुई गेस्ट की बात कि अगर हमें गेस्ट से प्राइवेसी चाहिए और आपके यहाँ अगर कुछ अलग टाइप के पड़ोसी आ रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं ताका जाकी करने, तो उनके लिए तो हो गया ये सोल्यूशन। दूसरा है कि अमेजन के डिलीवरी के अगर कोई बंदा आ रहा है या कोई फिर आपका कोई नॉर्मल डिलीवरी बॉय आ रहा है, तो जैसे दरवाजे खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो पार्टीशन आपको डालने हैं, अगर कॉस्ट कटिंग करना है तो सिंपल है, सीधे सीधे वर्टिकल लूअर्स डालो, लेकिन वो लूअर्स जो हैं वो 45 डिग्री पे ऐसे बेंड होने चाहिए। रीज़न बीइंग कि इसलिए अगर आपने सीधे सीधे डाल दिए तो पार्टीशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई सेंस नहीं बनेगी। एग्जांपल के तौर पे ये नहीं डालना है और ये तो बिल्कुल ही नहीं डालना है,
दूसरा क्या कर सकते हो कि आप कहते हो यार मनीष वहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम दरवाजे के पास अगर पार्टीशन डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है यार कहीं वो छोटा लगे, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है उस पार्टीशन के अंदर ग्लास डाल दो, और जो ग्लास होना चाहिए वो ब्लर वाला ग्लास होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट ग्लास होना चाहिए, जैसे कि आजकल आने लगे फोटोज में आप देख सकते हो ये वो ग्लासेस इसमें डाले हुए हैं। तो बात हुई डिजाइन की, अब कई लोग पूछते हैं कि यार मनीष वो आपने जो जाली वाला डिजाइन है वो कहां के लिए रिकमेंडेबल होगा। वो वहां के लिए रिकमेंडेबल है कि अगर आप डालो कहीं भी डालो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं वो जाली वाला डिजाइन ग्राउंड से लेके मतलब नीचे वाले फ्लोर से लेके टॉप सीलिंग हाइट तक उस पार्टीशन को डाल देते हैं, तो जाली बहुत मेसी लुक दे देती है और जो अपने बाकी इंटीरियर है उस पर नजर जाने की वजह सारे टाइम पार्टीशन पे ही नजर आएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, अगर जाली वाला पार्टीशन फिर भी आपको एट एनी कॉस्ट लेना ही है तो इसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स राइट, कि ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट एक बॉर्डर होना चाहिए, उस बॉर्डर के अंदर जाली होनी चाहिए, जिससे कि एक स्केलेबिलिटी, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि असली आर्किटेक्ट की जो कला होती है जो आर्ट होती है वो यही होती है कि वो उसकी स्केलिंग को सेट कर सके, मतलब कि कोई चीज़ किसी पे कितने रेशियो में बनानी है। सपोज करो 10x10 पे एक आपने फोटो फ्रेम लगाया, 4x4 का या 8x8 का, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्केलेबिलिटी, कि ये चीज होना बहुत जरूरी है। और वीडियो को पूरा देखना, आखिर में कॉस्टिंग बताने वाला हूं। जो कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं ये आते हैं यार मनीष जी आपने डिजाइन तो इतने अच्छे अच्छे बता दिए, इसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। डिजाइन्स की मैं आपको कॉस्टिंग भी बता दूंगा। अब बात करते हैं मटीरियल की, कि यार मनीष जी एक चीज बताओ, ठीक है डिजाइन तो हम बनेंगे, बनता कैसे है, इसका मटीरियल क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो होता है प्लाई के साथ, मतलब प्लाई बोर्ड जो है उसके साथ जो पार्टीशन करते हैं। इसमें क्या कि आपने प्लाई बोर्ड को सीधा काटा अपने अपने साइज के हिसाब से जो हमें अच्छा लगेगा, उसके बाद उस पर या तो लेमिनेट लगा दिया नहीं तो विनियर लगा दिया। अब लेमिनेट में क्या दिक्कत आती है, जो एजेस होते हैं वो काला काला उधर एक टक्कर सी दिखाई देती है जो देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप लेमिनेट में ही करना चाह रहे हैं तो फिर ये कोशिश करना कि आपको जो लेमिनेट है वो थोड़ी सी डार्क शेड की लेनी है, लाइट की नहीं है, जिससे कि रेशे जो लेमिनेट में वुड के ग्रेन्स दिखाई देंगे वो उस लाइन से मैच हो जाएंगे। दूसरा होता है कि लेमिनेट आपने अगेन प्लाई लिया और प्लाई के उसके ऊपर विनियर डाल दिया और पॉलिश कर दिया, तो अगेन पॉलिश का भी यहाँ पे जो कलर है आपको थोड़ा सा डार्क करना है। तीसरा जो पार्टीशन होता है, बेसिकली ये जो पार्टीशन अगर आप फोटो में देख पा रहे हो ये बना हुआ है, आप एमएस में बनवा सकते हो, कि एक शीट आई, लोहे का पाइप चारों तरफ घुमा और उसके अंदर सीएनसी कटिंग लग गया, दैट्स इट, कि मशीन से ही आपकी वो जाली कट के आ जाएगी। अब ये जाली और कैसे बन सकती है, ये आप एमडीएफ में 18 mm के बोर्ड में आप सीधा सीधा कटवा सकते हो, SDHMR के बोर्ड में कटवा सकते हो या WPC में कटवा सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि SDHMR में कराओगे तो जो फिनिश आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसके ऊपर जो पेंट होगा वो डीको होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो जो जहाँ से कटती है अंदर से वहाँ रफेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो वो देखने में फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। दूसरा जो हमारा बनता है वो MS में बनता है, जो कि मेरा बेस्ट है, जो अगर आप फोटो में देख पा रहे हो या मेरे ऑफिस में भी ये पार्टीशन मैंने कराया हुआ है। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी जो स्पेस है वो बड़ी दिखाई देगी, पार्टीशन का पार्टीशन हो जाएगा और यहाँ पे आप कर्टेंस भी यूज कर सकते हो। और जो अब जो पार्टीशन जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, हर घर में दिख रहा है, जिसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है, वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड पार्टीशन, मतलब कि आपकी SS के ऊपर जैसे लोहे पे पाउडर कोटिंग होता है, ऐसे स्टेनलेस स्टील पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जिसमें रोज गोल्ड फिनिश या गोल्ड या सिल्वर या ब्लैक ये फिनिशेज आजकल आने लगी है, तो ये भी आप देख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड में सारी कॉस्टिंग बताऊंगा। तो अब मैं वो आपको पार्टीशन का डिजाइन बताता हूँ क्या दिखाता हूँ कि आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर पार्टीशन को कैसे क्रिएट कर सकते हो और देखने में वो सुंदर कैसे लगेगा। तो अब आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर आप पहले तो ये फोटो देखो, इसके अंदर ये देख के बताओ कि इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, कमेंट में जरूर बताना, लेकिन वीडियो को पहले पॉज कर दो, वो तो मैं बता ही दूंगा कि पहले आप ये लिख के बताओ कि इस पर क्या लगा हुआ है। जो कॉस्ट कटिंग हुई है और फिनिशिंग अल्ट्रा एंड आ रही है, देख रहे हो एजेस कोई वो नहीं दिख रहा है। अब ये क्यों, तो बेसिकली इस फोटो के अंदर अगर आप चेक करोगे तो इस एल्यूमिनियम की ट्यूब है ये, बेसिकली सबसे सस्ता है, कभी खराब नहीं होगा, गलेगा नहीं, दीमक नहीं लगेगी, एल्यूमिनियम का ये ट्यूब या पाइप आप बोल लो, पाइप आता है बहुत ही हल्का आता है। इसके ऊपर ना लेमिनेट लगेगा, ना विनीर लगेगा, ना पॉलिश होगी, ना डीको होगा, ना पट्टी होगी, कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर लगेगा वॉलपेपर। दैट्स राइट, सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर जो आते हैं या फिर आप विनाइल जो बोलते हैं, स्टिकर जो जैसे टाइप आते हैं, वो इसके ऊपर लगाओ और इसके अंदर ना जॉइंट का पता लगेगा, ना ये कभी गलेगा, ना ये कभी खराब होगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक ये जरूर बताना। और सबसे बड़ी चीज़, इसकी कॉस्टिंग सबसे कम आती है और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी जो लेंथ आती है वो 10 फुट की पूरी पूरी लेंथ आपको मिल जाएगी और इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो जनरली क्या होता है कि कई बार हमारे पास 8 फुट की लेमिनेट की शीट आती है तो उसके अंदर हमें जॉइंट देने पड़ जाते हैं, तो वो जॉइंट इसमें नहीं दिखाई देंगे, ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। क्यों, क्योंकि वॉलपेपर का जो रोल है वो बहुत लंबा आता है, तो
तो इसी में आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और जो फिनिशिंग मिलेगी वो अल्ट्रा लग्जरी वाली फिनिश मिलेगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर एल्यूमिनियम और ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यार वी लाइक दिस ट्रिक। अब आते हैं पार्टीशन के रेट के ऊपर कि यार मनीष ये बताओ, ये जो इतने सुंदर सुंदर आपने पार्टीशन दिखा दिया और अब हमारा भी पार्टीशन करने का मन कर रहा है, इसका अमाउंट क्या पड़ेगा भैया, अमाउंट तो बताओ। इसमें मटेरियल के हिसाब से मैं बताऊंगा जो कि कोई नहीं बताएगा, जाके किसी भी इंटरनेट पर पूरे पे सर्च कर लो कि कोई आपको रेट बता दे कि पर स्क्वायर फीट का क्या रेट आता है। तो अगर आप लैमिनेट में इसको फिनिश करवाने जा रहे हो, अगर लूअर्स के कोई सेक्शन बनवा रहे हो, तो जो लैमिनेट का कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 450 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 600 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब 450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 600। विनीर की केस में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो हो जाता है 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, अगेन डिपेंडिंग ऑन डिजाइन। और अगर आप जाली वाला ले रहे हो कि MDF या SDHMR में बोर्ड में अगर वो बनवा रहे हो, तो जो उसकी कॉस्टिंग आती है वो होती है 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे। इसमें आपका डीको जो होता है वो भी आ गया, पेंट मतलब आ गया इसके अंदर। अब होता है जो मेटल की पार्टीशन है, जो आप ये फोटोज देख पा रहे हो, वो पड़ता है 550 से लेके 750 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब 550 रुपीज़ टू 750 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा महंगा चल रहा है, वो होता है करीब 1200 रुपये से लेके 1500 या 1700 या 2000 भी जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं PVD कोटिंग या इलेक्ट्रो प्लेटिंग, जो कि हम किसी भी फिनिश में जाते हैं जिसमें स्टेनलेस स्टील के पाइप के ऊपर सेक्शन के ऊपर वो कोटिंग करी जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है वाइट थीम बेस के ऊपर, कि अगर घर के अंदर कोर वाइट इंटीरियर हम करने वाले हैं तो व्हाइट, ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन के कलर से कैसे प्ले करेंगे और उसमें कैसे एब्स्ट्रैक्ट की फील लेके आएंगे कि घर आपका देखने में सुंदर लगेगा, प्लस कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, जिससे कि आपका घर एकदम झकास दिखेगा। तो और भी ऐसी वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब मेरे चैनल एंटी कोच, और यार सब्सक्राइब याद से कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।